How are you? Hope all are you well. I am your Shoma Miss from Kids Paradise Public School. Student, today we are going to GK. Okay? आज मैं आपको GK करवाऊंगी, ठीक है? तो GK आपको याद करना है, लिखना नहीं है, ठीक है? वो GK का कंसेप्शन है, ठीक है? तो आप लोग देखोगे, पहले फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था ना GK, तो आप इसे मैं जब रीड करवा दोगे, लर्न करवा दोगे, तो आप इसे लिख लोगे। अगर नहीं लिख पाओगे तो आप अपने पेरेंट्स से लिखवाओगे, ठीक है? राइट करवाओगे, ठीक है? चलिए देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर वन, वेयर डू यू लिव मीन्स आप कहाँ रहते हो, ठीक है? तो आपको तो पता है कि आप धनबाद में रहते हो, ठीक है? तो हम उसे इंग्लिश में क्या करेंगे, पूछा है वेयर मतलब कहाँ, वेयर डू यू लिव, लिव मतलब रहना। तो आई लिव इन धनबाद, मैं धनबाद में रहती हूँ या रहता हूँ। लड़का बॉयस रहोगे तो आप लोग रहता हूँ लिखोगे, गर्ल्स हो गए तो आप लोग क्या लिखोगे, रहती हूँ, ठीक है? आप लोग क्या पढ़ोगे, आई लिव इन धनबाद, ठीक है? मैं धनबाद में रहती हूँ या रहता हूँ, मैं हिंदी करूँगे तो आई लिव, मैं रहता हूँ, रहती हूँ आएगा, ठीक है? लेकिन बट इंग्लिश में बॉयज हो या गर्ल्स हो, सेम यही क्वेश्चन बोलोगे, आंसर बोलोगे आई लिव इन धनबाद, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू है, इन विच स्कूल डू योर स्टडी, ठीक है? तो आप कौन से स्कूल में स्टडी करते हो? तो आई स्टडी इन केपीपीएस स्कूल, केपीपीएस में किड्स पैराडाइज पब्लिक स्कूल, ठीक है? तो आप इसे के आपको नहीं मालूम होगा कि बोलोगे मीन्स केपीपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, तो मैंने क्वेश्चन नंबर थ्री में केपीपीएस का फुल फॉर्म मैंने लिखवा दिया है, ठीक है? राइट कर दिया है, तो आप लोग इसे देख लेना। आप लोग ऐसे भी बोल सकते हो आई स्टडी इन किड्स पैराडाइज पब्लिक स्कूल, और नहीं तो ये भी बोल सकते हो आई स्टडी इन केपीपीएस स्कूल, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर टू में क्या था, इन विच स्कूल डू योर स्टडी, तो आई स्टडी इन केपीपीएस स्कूल, ठीक है? या मीन्स किड्स पैराडाइज पब्लिक स्कूल। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ केपीपीएस मीन्स केपीपीएस का फुल फॉर्म क्या है, तो किड्स पैराडाइज पब्लिक स्कूल, ठीक है? किड्स पैराडाइज पब्लिक स्कूल, ओके? एक बार मैं और लर्न करवा देती हूँ, आप लोग अच्छे से देखना, फिर उसके बाद लिखना, ठीक है? क्वेश्चन नंबर वन, वेयर डू यू लिव, आंसर आई लिव इन धनबाद। क्वेश्चन नंबर टू, इन विच स्कूल डू योर स्टडी, आई स्टडी इन केपीपीएस स्कूल विद किड्स पैराडाइज पब्लिक स्कूल। क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ केपीपीएस, तो आंसर है किड्स पैराडाइज पब्लिक स्कूल, ठीक है? तो आप लोग इसे देख लो, क्वेश्चन नंबर वन टू थ्री देख लो, आप लोग इसे डायरी में नोट करना, नहीं तो कुछ भी एक कॉपी में नोट कर लेना, जीके का एक कॉपी पतला सा कॉपी बनाना और जीके का नोट कर लेना, उसे राइट कर लेना, ठीक है? नहीं कर पाओगे तो पेरेंट्स को बोलना और आप इसे लर्न करना, ठीक है? स्पेलिंग लर्न करना, और कल तो सैटरडे है तो मैं कल सैटरडे को टेस्ट लूंगी, और आपका टेस्ट होगा इंग्लिश का कैपिटल ए टू जेड एंड स्मॉल ए टू जेड, मैं टेस्ट लूंगी कैपिटल ए टू जेड और स्मॉल ए टू जेड, ठीक है?